टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं। तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों, क्या चल रहा है भाई साहब? टाइगर 3 तो बिल्कुल नहीं चल रहा है क्योंकि बहुत स्लो डाउन हो चुकी है। अब जो कलेक्शन है बहुत स्लो डाउन हो चुकी है। दूसरा, एनिमल का ट्रेलर जो लगातार आग फाड़ रहा है। देखो, कई जगह ये भी सुनने में आ रहा था कि भाई साहब एनिमल का ट्रेलर आ जाएगा तो टाइगर 3 की ग्रोथ जो है पूरी डाउन चली जाएगी। ठीक है, ट्रेलर बहुत अच्छा है, ज़बरदस्त है, लेकिन भाई थिएटर का क्या कनेक्शन है? फिलहाल तो ऑडियंस के पास कोई ऑप्शन नहीं है। दैट्स वाई कि एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए टाइगर 3 ही उनकी प्रीफर चॉइस है। दैट्स वाई कि ठीक है, अच्छा खासा कलेक्शन फिर भी देखने को मिल रहा है, लेकिन वही चीज़ यार, अभी मूवी 13 से 14 दिन, आज डे 14 है, कल डे 13 था, उसके हिसाब से भी देखा जाए तो बहुत नीचे आंकड़ा आ चुका है। हालांकि बड़ी बड़ी फिल्में ऐसा सिंगल डिजिट में आती नहीं है। बात करेंगे कि एडवांस विंडो में क्या हाल चल रहा है, लेकिन वो किसी के साथ सलमान खान की बिग अनाउंसमेंट, जो एक बड़ा प्रोजेक्ट पर काम चलने वाला है भाई साहब। इसके बाद और भी मूवीज, ऐसा नहीं कि टाइगर 3 के बाद बिल्कुल स्टारडम खत्म है, बहुत सी फिल्में हैं, सभी चीज़ों पर बात करेंगे। कौन सी मूवी और आने वाली है, टाइगर 3 के क्या हाल चल रहे हैं, एक एक करके चर्चा करेंगे। उससे पहले आपको क्या करना है, वीडियो को एक लाइक और नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं भाई साहब। सलमान खान ने ये खुद अपने मुंह से रिवील आउट किया है कि एक जो नई मूवी आने वाली है जो बड़ी भयंकर होने वाली है, टाइगर 3 से भी खतरनाक उसका कंटेंट होने वाला है। स्पाई यूनिवर्स से मिलता जुलता या फिर यही पैट्रियोटिक के हिसाब से ही ये मूवी सेट करी जानी है। उन्होंने खुद रिवील आउट किया है कि द बुल करके एक मूवी आनी है उनकी, जिसपे शायद शूटिंग अभी दिसंबर एंड में स्टार्ट हो जाएगी। ये है प्रोडक्शन हाउस के, इसके करण जौहर मतलब धर्मा प्रोडक्शन हाउस में ये मूवी को कंप्लीट करा जाएगा, जिसमें डायरेक्शन जो दिया जाएगा विष्णु वर्धन के द्वारा इसमें डायरेक्शन दिया जाएगा। तो अभी इस मूवी के बारे में खैर इतना खास तो पता नहीं है, लेकिन कुछ भी फिर भी थोड़ा मोटा रिवील हुआ है कि सलमान खान का जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट है द बुल, जिसका टाइटल होने वाला है मूवी का, उसमें ना रियल लाइफ बेस इवेंट पर ये मूवी बनने वाली है, रियल लाइफ स्टोरी होने वाली है। उस पर ऑपरेशन कैक्टस करके एक मिशन इस्टेब्लिश करा गया था इंडियन एजेंट्स के द्वारा, जो मालदीव्स में करा गया था, तो ये उसी के ऊपर ये मूवी को बनाया गया है। अभी बहुत कुछ रिवील नहीं करा गया है, हालांकि हम सर्च कर सकते थे, लेकिन अभी से ही सारा कुछ रिवील आउट कर देंगे तो फिर मज़ा क्या रह जाएगा। देखते हैं पोस्टर में और क्या हो सकता है, फर्स्ट ग्लिम्स या फिर टीजर में और क्या मिल सकता है। फिलहाल ये आ रहा है कि भाई साहब जो ये मूवी बेस करी जा रही है, मतलब जिस बंदे के ऊपर, वो फारूक बुलसारा करके उस बंदे का नाम था जो एजेंट है, उनके ऊपर ये मूवी, मतलब उन्होंने जो ऑपरेशन को, जो ऑपरेशन कैक्टस था, इसको जो लीड किया था, उस पे ये पूरी मूवी इवेंट करी जाएगी, उसी पे ये मूवी पूरी बनाई जानी है। तो देखेंगे भाई साहब, ऐसी बहुत सी मूवीज हमने देखी है, बेबी हमने देखी है, और भी कुछ मूवी देखी है, तो एक्साइटमेंट है इस मूवी के लिए भी। जो डायलॉग उन्होंने टाइगर 3 में इस्तेमाल कर रखा है कि भाई जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं, वही चीज़ ये अपनी रियल लाइफ पर उतारते दिख रहे हैं कि भाई साहब अभी हम हैं, मीन्स ये कि जब हम इंडस्ट्री में हैं तो और भी मूवीज आएंगी। ठीक है, इनको उतना ज़्यादा प्यार नहीं मिला, टाइगर 3 ऐसा नहीं कि पिट गई, बिल्कुल नहीं पिटी, एवरेजली ब्लॉकबस्टर मूवी गई है, बजट रिकवरी इसने कर ली है और अच्छी खासी कमाई अभी भी कर रही है, बट जिस हिसाब का हाइप था 1000 करोड़ वाला, वो साइड टच नहीं कर पाएगी। तो 500 करोड़ ऑल वर्ल्ड से ये मूवी कर लेगी। तो बात करते हैं भाई साहब की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन टाइगर 3 का कैसा क्या रहा है। डे 12 से शुरुआत करेंगे, परसों कैसे क्या रुझान रहा है, तो नेट इंडिया से 5.2 करोड़ के आसपास ये मूवी कमाते हुए नजर आई थी परसों। उसके बाद पूरी दुनिया से 8.5 करोड़ दुनिया से ये मूवी कमाते नजर आई थी परसों। कल कैसा रहा था, मतलब ठीक है, परसों ट्रेलर भी रिलीज हुआ, कल पूरे दिन एनिमल ही एनिमल चला है, ट्रेंड चल रहा है, अभी भी चल रहा है, ज़बरदस्त ट्रेंड चल रहा है एनिमल का। लेकिन कल कैसा रुझान रहा है, तो कल थोड़ा पिक डाउन देखने को मिला है, ट्रेलर का वो इतना असर नहीं है। ये है कि वर्किंग डे था और वर्किंग डे में हमेशा मूवी डाउन ही जाती है। तो कल नेट इंडिया से 5 करोड़ आता दिखाया और पूरी दुनिया से 8 करोड़, तो पहले 13 दिन में कल एंड ऑफ द डे तक ये मूवी सिर्फ हिंदी से कितना कमा चुकी थी, 253 करोड़, और नेट इंडिया से ये मूवी 260 करोड़ कमा चुकी है, और क्रॉस कलेक्शन ये मूवी लगभग 311 करोड़ के आसपास अपने खाते में रख चुकी है। ओवरसीज से 110 करोड़ आ चुका है और पूरी दुनिया से कल एंड ऑफ द डे तक ये मूवी 421 या फिर 422 करोड़ के आंकड़े पर टचअप कर चुकी है, जो 500 करोड़ कुछ ही दिन में कर जाएगी, 1 दिसंबर से पहले कर जाएगी, तो अच्छी बात है, क्योंकि 1 दिसंबर के बाद एनिमल बहुत बुरी तरीके से दहाड़ने वाला है, फटने वाला है, क्योंकि जबरदस्त ट्रेलर बहुत अच्छा रैंक कर रहा है। उसके बाद सैम बहादुर साथ में चलने वाली है भाई साहब, वो भी तबाही मचाएगी।
तो 1 दिसंबर से पहले 500 करोड़ हो जाते हैं पूरी दुनिया से कलेक्शन में, तो ये ठीक है, कर जाएगी पूरी दुनिया से लाइफ टाइम कलेक्शन के मामले में। तो आज डे 14 है भाई साहब, आज कैसा रुझान चल रहा है, क्योंकि आज सैटरडे है और वीकेंड है, कुछ जगह फ्लेक्सिबल हॉलीडेज भी हैं, तो ठीक है आज कैसा चल रहा है। और सैटरडे नाइट में तो जबरदस्त रुझान देखने को मिलता है, इवनिंग से ही थिएटर हाउस में खचाखच माहौल देखने को मिलता है। तो आज डे 14 में लगभग ये 8 करोड़ सिर्फ नेट इंडिया से करते नजर आ रही है भाई साहब, उछाल मारता है सैटरडे संडे में, उछाल मारता है, जबरदस्त उछाल मारता है, पूरी दुनिया से 15 करोड़ आज कमाते नजर आ रही है मूवी। तो एंड ऑफ द डे तक ये पूरी दुनिया से आज कितना कलेक्शन हो जाएगा, मे बी 436 करोड़ के आसपास ये मूवी लाइफ टाइम कलेक्शन आज एंड ऑफ द डे तक कर लेगी। तो कल का दिन भी अच्छा रहेगा, संडे भी अच्छी उछाल मारते नजर आएगी, देखते हैं ये मूवी टाइगर 3 कितना कलेक्शन कर पाती है। आपके हिसाब से क्या 500 करोड़ टच कर जाएगी वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले में, जो भी आपकी राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, जय।